नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी और सीएचओ एग्जाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड सेलेक्टेड पॉइंट्स। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन को हम सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। यदि किसी पर्सन के अंदर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो इस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे सबलिंगुअली हम नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर करते हैं। और यदि पेन पर्सन का नाइट्रोग्लिसरीन के कारण ठीक हो जाए तो आप ये समझेंगे कि पर्सन को एंजाइना पेक्टोरिस है। लेकिन यदि नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद भी कंटिन्यूअस सीवियर पेन रहता है और पेन शोल्डर, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जॉ तक रेडिएट होता है तो आप कहेंगे पर्सन को एमआई या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक चीज और, नाइट्रोग्लिसरीन का जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो आपको हेडेक के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसे हम शॉर्ट में एमजी के नाम से भी लिखते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन के जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट इनटू ब्लड और लिम्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भी हार्मोन या सीक्रेशन सीक्रेट किए जाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपीजी से, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट मीजर्स द फीटल रेस्पॉन्स टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जब हम प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं तो इसकी सहायता से हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए फीटस का क्या रेस्पॉन्स है इसको मीजर करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज माइक्रोसिफेली इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ कंजनाइटल साइटोमेगालो वायरस और कंजनाइटल रुबेला वायरस इंफेक्शन। माइक्रोसिफेली क्या है? माइक्रोसिफेली का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी का जो हेड है वो नॉर्मल साइज से छोटा हो। यदि नवजात शिशु का सर नॉर्मल साइज से छोटा हो तो इस कंडीशन को हम माइक्रोसिफेली के नाम से जानते हैं, और इसका मुख्य कारण है कंजनाइटल साइटोमेगालो वायरस इंफेक्शन या फिर कंजनाइटल रुबेला वायरस इंफेक्शन। याद रखिएगा दोनों नामों को, साइटोमेगालो वायरस और रुबेला वायरस, इनके कारण नवजात शिशु के सर का साइज नॉर्मल से कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज मेजर्ड अबव और बिलो द निपल अ फॉल्स मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड। जब भी आप किसी भी अडल्ट के अंदर या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर चेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे फीते की सहायता से, जब आप चेस्ट की मोटाई को मापेंगे तो उस समय हमेशा याद रखिएगा आपको जो फीता है पर्सन के निप्पल्स के ऊपर रखना है। अगर फीता निप्पल से ऊपर होगा या फिर नीचे होगा तो इन दोनों ही स्थितियों में गलत रीडिंग आएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए चेस्ट सर्कमफ्रेंस को जब भी आपको मापना हो तो हमेशा निप्पल के लेवल पर मापना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस ए, इट इज अ लीवर डिजीज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस ए एक लीवर डिजीज है, पर्सन के यकृत को ये डिजीज प्रभावित करती है और इसका कारण है हेपेटाइटिस ए वायरस। इसे शॉर्ट में HAV के नाम से भी लिखा जाता है।
हेपेटाइटिस ए लीवर डिजीज है, किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है, और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा फैलता है, यानी हम इसे कहें कि एंट्रल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होने वाला, फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस ए है जो कि लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर कहां पर होता है? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियल बोन, हमारे हाथ में जो रेडियल बोन पाई जाती है उस बोन के अंदर, डिस्टल बोन के डिस्टल पार्ट में, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है यानी हमारे शरीर का जो ट्रंक वाला हिस्सा है उससे जो स्ट्रक्चर पास में होती है उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो इस धड़ वाले हिस्से से दूर की चीज होती है उसे हम डिस्टल कहेंगे। तो हमारी रेडियल बोन के डिस्टल वाले हिस्से के अंदर रेडियल बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो इसको हम कोलिस फ्रैक्चर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार इसे बड़े क्वेश्चंस के साथ डाल के घुमाकर पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर की जब भी बात करें तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया हाइपरट्रॉफी ऑफ मेल ब्रेस्ट। यदि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम गायनेकोमास्टिया के नाम से जानते हैं। यहां पर वर्ड है हाइपरट्रॉफी, दो वर्ड्स होते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, दोनों में क्या फर्क है? हाइपरट्रॉफी कंडीशंस में जो सेल्स होती हैं उनका साइज बढ़ जाता है, जबकि हाइपरप्लेशिया ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स की नंबर बढ़ जाती है। सेल्स की नंबर बढ़ जाना, संख्या में बढ़ जाना हाइपरप्लेशिया कहलाता है, जबकि हाइपरट्रॉफी कंडीशन के अंदर सेल का साइज बढ़ जाता है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इज अ लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। इस डायग्राम में आप देखिए ये एक पर्सन है, अ हेल्दी पर्सन, इसके अंदर जो स्पाइन वाला रीजन है, स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है, वो लैटरली हल्का सा कर्व या बेंड हो गया है, मुड़ गया है, तो इस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहेंगे। इसी के सिमिलर दो टर्म्स और आती हैं। एक वर्ड होता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के एंटीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड कर्व्ड हो जाती है। स्कोलियोसिस के अंदर तो लैटरल साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में हल्का सा जो अपर स्पाइनल कॉर्ड है वो कर्व्ड होती है, जबकि लॉर्डोसिस कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ या एंटीरियरली कर्व्ड हो जाती है। जनरली ऐसा ओबेस पर्सन में और प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार होता है काइफोसिस। काइफोसिस भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे हिंदी में आप सिंपली कुबड़ निकलना कह सकते हैं। इस कंडीशन में पर्सन का जो स्पाइन होता है वो पोस्टीरियरली बेंट हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनली दिस स्कोलियोसिस कंडीशन आइडेंटिफाइड इन टू द प्यूबर्टी स्टेज एंड थ्रू आउट द एडोलेसेंस। स्कोलियोसिस कंडीशन नॉर्मली प्यूबर्टी के टाइम डायग्नोस होती है, आइडेंटिफाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फैटिचिज्म। फैटिचिज्म इज यूज्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिकम सेक्सुअली अराउज्ड। फैटिचिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किसी भी पर्सन को सेक्सुअली अराउज्ड होने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है, या यूं कहें किसी ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हुए पर्सन सेक्सुअली अराउज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है ऑलब्यूट्रोल, रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड फॉर द अस्थमा। यदि किसी पर्सन में अस्थमा डिजीज कंडीशन है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑलब्यूट्रोल भी एक ब्रोंकोडायलेटर है
जो मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है ये रैपिड एक्टिंग होती है। आइए अस्थमा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है या फिर एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन होता है, जिस वजह से पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पर्सन के जो एयरवे स्पेस नैरो हो गया था उसे तुरंत डायलेट कर देती हैं और पर्सन का रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाता है, तो उसे आराम मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है IPPB, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। इस फुल फॉर्म को भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPPB? इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड फुल फॉर्म है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर चाइल्ड डोज बिलो 1 ml। यदि आप किसी चाइल्ड में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा उस इंजेक्शन में सॉल्यूशन या ड्रग 1 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 ml तक होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। जनरली अडल्ट पर्सन के अंदर हम 2.5 से 3 ml तक ड्रग ले सकते हैं इंट्रामस्कुलर साइड में। द नर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस, मॉनिटर एंड कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट अंडर हर केयर। नर्स जिस पर्सन या क्लाइंट की केयर कर रही है उसकी हेल्थ स्टेटस को असेस करना, मॉनिटर करना और क्लाइंट से कम्युनिकेट करना उस नर्स की जिम्मेदारी है। यूज योर लेग मसल्स नॉट बैक मसल्स टू लिफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे घुमा फिरा कर पूछा गया है। जब भी आपको किसी क्लाइंट को या किसी चीज को लिफ्ट करना है, उठाना है, तो याद रखिएगा आपको उस समय अपने लेग मसल्स को यूज करना है। बैक मसल्स को कभी भी आप यूज ना करें। बॉडी गैस्चर पोस्चर से ये क्वेश्चन बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, यूज योर लेग मसल्स नॉट बैक मसल्स टू लिफ्ट अ ऑब्जेक्ट और पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज आस्क द क्लाइंट इफ ही इज एलर्जिक टू एनी मेडिकेशन, प्लांट और हर्बल सप्लीमेंट्स, इवन इफ ही इज इन डिस्ट्रेस। जब भी आपके पास पेशेंट आए तो उससे आप हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उस दौरान उससे जरूर पूछिएगा कि उसे किस किस चीज से एलर्जी है या नहीं, स्पेशली मेडिकेशन, प्लांट या हर्बल सप्लीमेंट में से किसी की भी। यदि पर्सन डिस्ट्रेस में है फिर भी इस चीज को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड बाइट ड्यू टू कोल्ड। यदि कोई पर्सन लंबे समय तक एक बहुत ही ठंडे वातावरण में रहता है तो उसे फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट के बाद इसका ट्रीटमेंट एम्प्यूटेशन होता है। पर्सन के जिस बॉडी पार्ट में फ्रोस्ट बाइट हुआ है उसे बॉडी से कट करके अलग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पर्सन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं। इन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट है लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, पोटेशियम डायूरेटिक एंड थियाजिड डायूरेटिक्स। याद रखिएगा डायूरेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में लूप डायूरेटिक ड्रग्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग्स, पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक ड्रग्स और थियाजिड डायूरेटिक्स इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आपके रिवीजन के लिए इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर हम रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं।
आप चाहें तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स।